हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। इस समय बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर ओल्ड कोर्स से जो चल रहे हैं, क्योंकि इस बार एनईपी स्टार्ट हो गया तो एनईपी वालों के लिए नहीं है। अभी तो एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, अब सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होगी। तो आज का ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर के हमारे विद्यार्थियों के लिए है, जिनका केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल अब होने वाले हैं इस बीच, या कहीं हो रहे होंगे या होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर वन, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में यदि मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, आपके यहाँ बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट दिए होते हैं, तो बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर कहलाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर मिलेगा। तो इसमें लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसमें कि टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई दी गिवन बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर्स, ये आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद उसमें आपका एपरेटस और कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप लिखते हैं एपरेटस और केमिकल रिक्वायर्ड, उसमें एपरेटस केमिकल आप लिख लेते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है। तो बाइनरी मिक्सचर में ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं, या तो हम वाटर के द्वारा इसको सेपरेट करते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट का द्वारा सेपरेट करते हैं। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको सेपरेट करने के लिए कहा है, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें आप दोनों कंपोनेंट को घोल देते हैं। घोलने के बाद इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट, उसमें जो कंपोनेंट सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलेगा वो फिल्ट्रेट में आ जाता है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं घुलता है वो रेजिड्यू में ऊपर आ जाता है, फिल्ट्रेट के ऊपर छन्नित जिसको बोलते हैं रेजिड्यू। तो एक रेजिड्यू में एक कंपोनेंट मिल गया और एक फिल्ट्रेट में एक कंपोनेंट मिल गया। अब इस प्रकार से इनका आप जो है बारी बारी से टेस्ट करेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है। यदि आप रेजिड्यू का लेते हैं, एक बार रेजिड्यू लेंगे एक बार फिल्टर, तो रेजिड्यू वाला कंपोनेंट उसका प्रोसीजर होता है, तो आप लिखेंगे कंपोनेंट ए। यदि आप रेजिड्यू को कंपोनेंट ए मानते हैं तो ए लिखे, और फिल्ट्रेट को कंपोनेंट बी मानते हैं तो बी लिखे, किसी को भी आप ए और बी मान सकते हैं। अब माना मैं रेजिड्यू को कंपोनेंट ए लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन फॉर कंपोनेंट ए। अब इसका प्रोसीजर है, ये करीब 8 स्टेप में ये रिएक्शन ये स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखते हैं, इसमें 3 पॉइंट आप लिखेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट होंगे, फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर। जो भी फिजिकल स्टेट है वो लिख देंगे, जो कलर है जैसा भी कलर होता है, और ऑर्डर उसकी जो स्मेल होती है उसमें लिख देंगे। उसके बाद नंबर 2 इग्निशन होता है, इग्निशन के अंदर ज्वलन परीक्षण आप इसको कहते हैं, इसमें आप एलिफैटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक है इसमें आप वो लिखते हैं, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, वेदर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एलिफैटिक और एरोमेटिक। उसको बर्न्स करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, स्पैचुला में लेते हैं, उसको जलाते हैं। यदि वो सूटी फ्लेम के साथ काफ़ी धुआं है, धुएं द्वार ज्वाला के साथ जल रहा है तो एरोमेटिक है, अगर धुआं रहित यानी नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, if it burns with non-sooty flame then it is aliphatic and if it burns with sooty flame then it is aromatic। तो ignition test में लिखते हैं। उसके बाद तीसरा point आता है solubility behavior, कि क्या लिखें, कि अगर वो sodium bicarbonate soluble है तो आप लिखेंगे soluble in sodium bicarbonate, जो नहीं है वो insoluble in sodium bicarbonate, ये लिख देंगे। चाहे जो water में soluble है, cold में है या hot water में है, ये इसमें लिखते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन के केस में असंतृप्त और संतृप्त की पहचान करनी है, यानी जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है 1% एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज बियर एजेंट, या ब्रोमीन का वाटर में बना सॉल्यूशन भी लेते हैं, या ब्रोमीन का CCl4 में बना हुआ बिलियन भी लेते हैं, CCl4 इनर्ट होता है। तो जब आप बेयर रिएजेंट लेते हैं वो पिंक कलर का होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें आप डालते हैं, अगर भी उसका पिंक कलर डिसअपियर होता है इट मीन्स वो अनसेचुरेटेड है, और डिसअपियर नहीं होता है तो सेचुरेटेड है। इसी तरह से ब्रोमीन वाटर में
ब्रोमीन वाटर में रेडिश ब्राउन कलर अगर डिसअपियर होता है तो आपका अनसेचुरेटेड है, अदरवाइज सेचुरेटेड है। क्लियर? तो इसमें आप ये करते हैं, ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद उसमें आपने इतना लिखना है, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इतना लिखना होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अब आपके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं, चाहे उसमें नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, इनका आप टेस्ट करते हैं। क्लियर? इसके लिए आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम ग्रीन मेथड से भी बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और जिंक का मिक्सचर हम लेते हैं, इससे भी हम इसको करते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं क्लास डिटर्मिनेशन। क्लास डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हम टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप का करते हैं, कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप आप टेस्ट करते हैं। पहले से चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कोहल है या एल्डिहाइड है, कीटोन, इस तरीके से उसका टेस्ट करते रहते हैं। ठीक? और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद आगे चलते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट होता है, अगर सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो अगला पॉइंट बनता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जब डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्लियर होता है तो आगे चलते हैं, अब इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। ये आठवां पॉइंट है, है ना? एट पॉइंट इज स्पेसिफिक टेस्ट और कन्फर्मेटिव टेस्ट। जब कन्फर्म हो जाए तब आप लास्ट में रिजल्ट लिखते हैं, द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, सपोज ऑक्सलिक एसिड है तो आप लिख देंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सलिक एसिड, ये आपका रिजल्ट होता है। तो ये कंपोनेंट ए के लिए हो गया। इसी प्रकार आप जो आपका फिल्ट्रेट है अगर उसको कंपोनेंट बी कहते हैं तो फिर होएगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो बनेगी कंपोनेंट बी के लिए। बी में भी इसी तरीके से चलेंगे, प्रिलिमिनरी चलेंगे, इग्निशन चलेंगे, और टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन चलेंगे, सॉल्युबिलिटी बिहेवियर चलेंगे, और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट चलेंगे, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप चलेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट चलेंगे, रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है? माना ये बेंजोफिनोन आ गया तो हमने बेंजोफिनोन रिजल्ट लिख दिया। उसके बाद लास्ट में दोनों कंपोनेंट के बाद ओवरऑल रिजल्ट लिखेंगे, ओवरऑल रिजल्ट हेडिंग होगा, ओवरऑल रिजल्ट उसमें लिखेंगे द गिवन कंपोनेंट इज ऑक्सलिक एसिड एंड द गिवन कंपोनेंट, द गिवन ऑर्गेनिक, द गिवन बाइनरी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ओके, कंटेन कंपोनेंट बी इज बेंजोफिनोन। तो इस प्रकार से ऑक्सलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बना देंगे, स्ट्रक्चर भी बना देंगे। तो इस प्रकार से आपका कंपोनेंट ए और बी हो गया, ये ऑर्गेनिक का हो गया एक्सपेरिमेंट। अब ऑर्गेनिक के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको फिजिकल दिया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में माना आपको चाहे सॉल्युबिलिटी निकालना है या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है, है ना, या कंडक्टिविटी निकालना है। तो उसके लिए कंडक्टिविटी आपका होगा, उसका सबसे पहले उसी तरीके से ऑब्जेक्ट होगा, है ना, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ या नॉर्मलिटी ऑफ द गिवन एसिड, गिवन एसिड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिकली, है ना, यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। तो एल्कली के अगेंस्ट जो है हम जो एसिड है, माना HCl है, एनीवेज आपको एल्कली दिया है, HCl की स्ट्रेंथ निकालना है तो कंडक्टोमेट्रिकली कैसे निकालते हैं, ये है। तो ये ऑब्जेक्ट, फिर उसके apparatus, required, chemical वो उसमें लिख देंगे। फिर इसका प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल लिखेंगे, रिएक्शन होगी HCl के बीच में, थोड़ा आप लिखेंगे, ये प्रिंसिपल होगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी कि आप सीरियल नंबर लिखेंगे, एडिशन ऑफ एस, आपने एडिशन ऑफ NUH, है ना, आपने जो NUH ऐड किया सेकेंड में, NUH एडेड, ठीक। उसके बाद कंडक्टिविटी निकाल देंगे उसका, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट एक्सेसिस में तो आप लिखेंगे कि NUH एडिट अलोंग द एक्सेसिस, वाई एक्सेस में आप कंडक्टिविटी निकालते हैं और कंडक्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका एंड पॉइंट हो जाता है। ठीक है? इस प्रकार से आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया दूसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा आपको इनऑर्गेनिक से मिलेगा। इनऑर्गेनिक मिक्सचर में आपको जैसे कहा भाई टेट्रामीन कॉपर सल्फेट की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, या निकिल एज निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, या आपका क्यूप्रस क्लोराइड है, या सोडियम ट्राइऑक्सिलेटोफेरेट, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। इसका आप किस तरीके से
टेस्ट करेंगे। तो इसके सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है ना। जैसे आपने माना निकिल डीएमजी, तो आप लिखेंगे टू एस्टिमेट निकिल एज निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इन अ सप्लाइड सॉल्यूशन ऑफ निकिल अमोनियम क्लोराइड, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आप रिएजेंट और एपरेटर जो यूज़ करते हैं उसको लिखते हैं हेडिंग। उसके बाद प्रिंसिपल लिखते हैं, जो भी रिएक्शन होती है आपका डीएमजी और निकिल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन भी आ जाएगा प्रिंसिपल। और इसके बाद जो इसका प्रोसीजर है, किस तरीके से इसका मेथड है, कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रोसीजर में लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में आप उसको रिजल्ट लिखते हैं कि द यील्ड, जो यील्ड आपको प्राप्त है उतना जो भी है, आपने लिखा यील्ड इक्वल टू दिस मच, ठीक है, उतना ग्रैम, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो यील्ड प्राप्त होता है, उस यील्ड को अगर आप एक पॉलीथिन लेंगे, छोटी सी पॉलीथिन, उस पॉलीथिन के अंदर उस यील्ड को रख देंगे और उसके बाद कॉपी के लेफ्ट पेज में आप उसको चस्पा कर दें, चिपका दें, ठीक है, चाहे स्टेपलर से कर दें या फेविक्विक से वहाँ पर चिपका दें, ताकि आपने इतना यील्ड प्राप्त किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से तीन एक्सपेरिमेंट बीएससी थर्ड ईयर में होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल। इसके बाद आपका वाइवा होता है। वाइवा जनरली जो भी एग्जामिनर होते हैं वो आपके जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी से पूछते हैं जो उसमें किया है। माना आपने कंडक्टिविटी है इसका, वाइवा पूरा पढ़ रहे हैं, क्या कंडक्टिविटी होती है इसमें, केसीएल का क्या यूज है, क्या सेल कांस्टेंट है, क्या कंडक्टेंस, क्या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट या रेसिस्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिव, कुछ भी आपसे वाइवा पूछा जा सकता है। एल्कली क्या है इसमें लिया, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला बताएं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या वाइवा पूछा जा सकता है। अब ऑर्गेनिक, ये तो फिजिकल का था, ऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है भाई ये एलिफेटिक क्यों है, एरोमेटिक क्यों है, और टेस्ट फॉर अनसोसिएशन के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, एलिमेंट डिटेक्शन कैसे करते हैं, कौन सा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, आपने कहा सोडियम एक्सट्रैक्ट बताइए, नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, हैलोजन का कैसे करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो तमाम उसके टेस्ट हैं कि आप हम उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं। अब जैसे आपका सीएल का ही है तो सिल्वर क्लोराइड उसमें मिलाते हैं, AgNO3 मिलाते हैं, ठीक है, सीएल होता है तो AgCl का वाइट पीपीटी देगा, बीआर होता है तो AgBr का पेल येलो पीपीटी देगा, आईजी अगर आयोडाइड होगा तो AgNO3 के साथ मिलाकर वो AgI का येलो पीपीटी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं, आप ये टेस्ट ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट डिटेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, और उसका ये सिस्टमेटिक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, प्रिलिमिनरी, इग्निशन, और अगला जो है आपका टेस्ट फॉर अनसोसिएशन सॉल्युबिलिटी, ये जो 8 पॉइंट बताए ये आपसे पूछ सकते हैं, रिएक्शन पूछ सकते हैं, और एसिड है तो इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, आपने कहा भाई सिंगल बॉन्ड COH काउजली ग्रुप है, या फिनॉल है, या एल्डिहाइड है, सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरीके से बताओ। उसका ग्रुप रिएजेंट पूछ सकते हैं, कार्बोनिक एसिड है तो ग्रुप रिएजेंट आपने बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इस तरीके से आपसे इसका ये पूछ सकते हैं। अल्कोहल है तो शेरिक अमोनियम नाइट्रेट बता दिया, तो ग्रुप रिएजेंट आपसे पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से ऑर्गेनिक का ये वाइवा हो गया। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक में है, आपने माना कॉम्प्लेक्स बनाया, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट बनाया, या निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स बनाया, डीएमजी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, CH3CNOH CH3CNOH, सी और NOH के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इधर से मैथिल जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल सी डबल बॉन्ड NO3CH3, तो इसका डीएमजी है। EGTA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो भी है, एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, जो भी है, तो तमाम ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, रिएक्शन। तो इस प्रकार से कई बार जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो प्रैक्टिकल के अलावा और प्रैक्टिकल से बाहर भी छोटी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत थ्योरी की चीज़ें भी आपको याद रहना चाहिए। कुल मिलाकर आप एग्ज़ाम की तैयारी तो करते ही हैं, आप थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए, और प्रैक्टिकल के दिन घबराना नहीं चाहिए, और आपका जो प्रैक्टिकल है उससे संबंधित वो चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, और आपकी लेख बहुत सुंदर हो, साफ साफ हो, पूरे जितने भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो पूरे अटेम्प्ट करना चाहिए,
चाहे आपकी रीडिंग नहीं निकल रही है, गलत ही रीडिंग निकल रही है, आपको लग रहा है गलत, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट को आप कॉपी में तीनों एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट भी नहीं लिखेंगे तो आपका एक एक्सपेरिमेंट के सारे नंबर गलत हो जाते हैं। अगर आप उस पूरे एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करते हैं, उसका सारा प्रोसीजर, मेथड, रिजल्ट सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, भले ही आपका गलती होता है, आपको कुछ ना कुछ अंक प्राप्त होने की संभावना होती है, तो एग्जामिनर लोग आपको एग्जामिनर देते हैं कि बच्चे ने सारा सिस्टमेटिक कर रखा है, तो अच्छा लेख बनाएंगे। और आपकी रिकॉर्ड बढ़िया होनी चाहिए, रिकॉर्ड के बाहर आपका जिल्द होना चाहिए, उसके बाहर आपका नेम, आपका क्लास, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और कॉलेज का नाम, और रोल नंबर याद है तो रोल नंबर, और सीट नंबर है तो सीट नंबर, ये तमाम लिखना चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी कॉपी होती है प्रैक्टिकल कॉपी, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो कॉपी के टॉप में आप लिख दिए बीएससी थर्ड ईयर बायो ग्रुप, और मैथ्स के हैं तो बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स ग्रुप, ऊपर हेडिंग से साफ साफ लिख दें ताकि ये क्लियर रहे। और जो पहला पेज होता है जिसमें आप नेम, रोल नंबर, तमाम चीज़ें लिखते हैं, उसमें जो तीनों एक्सपेरिमेंट हैं उनके रिजल्ट भी पहले पेज में, जहां पर आपका नेम पूरा अपने बारे में टोटल लिखते हैं, नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, उसके नीचे रिजल्ट लिखते हैं। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट नंबर एक है, माना आपका कुछ यील्ड आया, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर यील्ड इतना इतना ग्राम। नंबर दो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्सपेरिमेंट नंबर दो लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेंजोफिनोन एंड ऑक्सैलिक एसिड, बाय इतना लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। एक्सपेरिमेंट नंबर तीस माना कंडक्टिविटी है, उसका जो आंसर आया, जो रीडिंग आई, माना कोई नॉर्मलिटी 0.16 है तो 0.16 एन इतना आप वहाँ पर लिख दें। ये पहले पेज में रिजल्ट लिख दें तीनों एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, नीचे लास्ट में ये। और नया एक्सपेरिमेंट अगला पेज के पहले पेज को छोड़ करके, पहला जिसमें नाम लिखते हैं वाला पेज छोड़ के अगले पेज लेफ्ट से आप अपना एक्सपेरिमेंट नंबर वन लिखना शुरू करते हैं, जहां कंप्लीट होता है, फिर अगला एक्सपेरिमेंट नंबर टू, फिर कंप्लीट रिजल्ट के बाद फिर एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।